मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन। ओम शांति। आज की तारीख है 25/4/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है विश्व कल्याणकारी बाप। हम विश्व कल्याणकारी बच्चों को विश्व कल्याण की सेवा करते हुए हमें भी सिखाते हैं कि सेवा क्या और कैसी करनी है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करना है? बाबा कहते हैं, कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, बाबा ने तीन बातें बताई है इसमें कि जो बाप के समीप संबंध में आते हैं। हाँ, समीप संबंध माना बिल्कुल जैसे ब्लड कनेक्शन के संबंध होते हैं, ऐसे बाप दादा के समीप संबंध। फिर नंबर दो बाबा कहते हैं अपनी चलन, और तीसरा अपनी आमदनी। हाँ, जो कमाई करते हैं ना, तो अपनी आमदनी का पूरा पूरा समाचार जो बाप को देते हैं, माना बाप के साथ प्रैक्टिकल बच्चे बन करके अपनी चलन माना कैसे धारणा में चल रहे हैं, और फिर कमाई जो स्थूल धन या फिर अविनाशी धन दोनों कमाई कैसे हो रही है वो समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, हाँ, किसी भी वजह से अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वो हैं सौतेले बच्चे। बाबा कहते हैं, अपना प्यार देते हुए देखो अभी बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, जो बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार देते हैं या बाबा को समाचार दो, तो बाबा समझे कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को, हाँ, शुभ भावना देखो बाबा की, बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। अब ये सौतेले मातेले शब्द भी बाबा क्यों यूज करते हैं? हमारे कल्याण के लिए, ताकि सौतेलों को ये महसूस हो कि मुझे मातेला बच्चा बाबा का बनना है। अच्छा गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। धारणा के लिए सार है आज का। नंबर एक है, विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देना है, श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। ये कब होगा? जब पूरा श्रीमत पर चलेंगे, बाप समान फॉलो करेंगे। नंबर दो, कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी फिर भोगना भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। वरदान है, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले। समय पर सिद्धि प्राप्त करना माना जिस समय जो शक्ति की जब जितनी आवश्यकता पड़े उसका हम आवाहन करें और वही शक्ति मेरे पास मेरी गुलाम बनके, मेरी मददकर्ता बनके हाजिर हो जाए, उसको कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना। तो ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित, बाबा कहते सफलता हर हालत में उसकी ही है। तो बाबा वरदान देते हैं ऐसे बच्चों को, विजयी भव, सर्व शक्तियों से संपन्न
निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। अगर विजय निश्चित रूप से चाहिए तो 100% निश्चय बुद्धि बनना पड़े। जैसे किसी के पास धन की, किसी के पास बुद्धि की, या किसी के पास संबंध और संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन कौन सा धन है? अविनाशी ज्ञान धन। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। हाँ, बुद्धि भी हमारी पवित्र प्रभु से लगी हुई है, पोजीशन भी है, किसके बच्चे हैं? सबसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो वो भी शक्ति है। अब सिर्फ उन्हें यूज करो। हाँ, बाबा कहते उसको यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है आज का, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अगर व्यर्थ मन में रखा, आंखों से देखा, कानों से सुना, फिर मन में रखा, बोझ हो जाएगा, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलेंगे। तो बाबा कहते हैं लाइट बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।